प्रेज द लॉर्ड, शालोम शालोम शालोम। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में राज्य करे। प्रियो, कितना सुंदर समय है कि हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं और हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। आज रविवार का दिन है और आज रविवार के दिन हम प्रभु की आराधना करने के लिए हालेलुया हम तैयार हैं। तो कृपया आप भी हमारे साथ आराधना करिए, हालेलुया आप भी प्रभु का धन्यवाद करिए, हालेलुया। हम पहली प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज जैसे हम इस आराधना सभा को शुरुआत करते हैं, तेरी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडलाने दे, तेरा पवित्र अभिषेक हमारे ऊपर उतराने दे, तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए हमारी सहायता कर। हे प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडलाने दे प्रभु जी, पवित्रता से शोभायमान होकर तेरी आराधना करते हैं। हमारे सारे पापों की क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, अपने लहू से धोके साफ कर, हर तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता, आमेन आमेन। प्रियो आइए हम गीत गाएं, गीत नंबर 196, हालेलुया। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा, अपने जीवन की सारी कड़वाहट मिटा। बहुत सुंदर गीत है। संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। जीवन वर्ष जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया, जीवन वर्ष जहाँ जहाँ भी पहुँचाए मेरा, हाँ इसमें
अगला गीत कहता है, प्रेमी तेरे पांव तले पाता हूं तसल्ली, धुन के साथ गाता रहूंगा आनंद के गीतों को। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस गीत को गाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। छोड़ तुझे
यीशु राजा पवित्र सेनाओं के यह परमेश्वर, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते पिता, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जितने भाई बहन हमारे साथ आज जुड़े हैं। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उतर आए। प्रभु तेरे पुनरुत्थान के दिन हम प्रभु परमेश्वर तेरी आराधना कर रहे हैं, और उन्होंने प्रभु जी तेरी आराधना करते करते हर एक जन छुटकारा प्राप्त करे, चंगाई प्राप्त करे। उनके जीवन के हर एक बंधनों को मैं तोड़ देता हूँ। हर एक जन को प्रभु परमेश्वर अपने घर से निकलकर तेरी आराधना सभा में जाने के लिए सहायता कर। कैलवरी चर्च के हर एक जन के ऊपर तेरा अनुग्रह रहे, तेरी कृपा रहे। जिनके दरवाजे अभी खुले नहीं है उनके दरवाजे तो खोल पिता, ताकि तेरी महिमा वो कर सके राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। हर एक महामारी से लगे व्यक्तियों को मैं यीशु के नाम से आज आजाद कर देता हूँ। प्रभु उनकी उनको तो छुटकारा दे, उनको तो चंगाई दे, उनको तो आजाद कर दे प्रभु जी। हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु अगर तू हमारी और है तो यह महामारी हमारा क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती प्रभु परमेश्वर। ये महामारी भी आई है तेरी इजाजत के बिना नहीं आई है, हालेलुया तेरी इजाजत लेके आई है प्रभु जी। और प्रभु ये तेरा ही काम करके जाएगी पिता परमेश्वर। और इसलिए प्रभु अपने पवित्र लोगों को बचा ले, अपने पवित्र लोगों की सुरक्षा कर, और तेरी महिमा होने दे। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता, आमेन आमेन। प्रियो कितना सुंदर समय है कि हम प्रभु की आराधना करते हैं। यह समय है कि हम प्रभु के लिए भेंट चढ़ाएंगे, प्रभु परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हमारे देने के द्वारा हालेलुया परमेश्वर की महिमा हो। जो पैसा हमें मिलता है वो पैसा भी प्रभु यीशु की सेवा करेगा, हमारे शरीर का कण कण प्रभु की सेवा करेगा, जो कुछ हमारा है सब प्रभु की सेवा करेगा। हमारे देने के द्वारा हम प्रभु को ये बताते हैं कि उस अमीर आदमी के जैसे हम पैसे को पहला प्यार नहीं करते, लेकिन हम यीशु को पहला प्यार करते हैं, और यीशु को हालेलुया दशमांश चढ़ाते हैं, यीशु की सेवा करते हैं, यीशु के लिए जिएंगे, यीशु के लिए मरेंगे। स्वर्ग में तो हम सोने के रास्ते पे चलने वाले प्रियो। तो इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में सिस्टर जॉली है और वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगी।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सामर्थी परमेश्वर, आज के दिन हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने हमें जीवन दिया है, आज हम जिंदा हैं ताकि हम तेरी स्तुति करें परमेश्वर पिता, और विशेष रीति से इस प्रभु समय के लिए धन्यवाद, जबकि हम अपने प्रभु जी कमाई का दशमांश तुझे चढ़ाना चाहते हैं प्रभु जी, हालेलुया, अपने प्रभु कमाई में से उठाने की भेंट तुझे देना चाहते हैं प्रभु, धन्यवाद भेंट देना चाहते हैं परमेश्वर पिता, हमारे पैसे के द्वारा हम तेरी आराधना करना चाहते हैं प्यारे ईश्वर राजा, हालेलुया प्रभु, सिर्फ होठों से नहीं लेकिन अपने देने के द्वारा प्रभु जी हम तुझे ऊंचा उठाना चाहते हैं, हम तुझे प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, हालेलुया हालेलुया प्रभु, आज हर एक हाथ जो आगे बढ़ते हैं और प्रभु तेरी सेवकाई में परमेश्वर पिता प्रभु जी हालेलुया सहभागी होते हैं, उन सारे हाथों को तू आशीषित कर, तेरा वचन कहता है जो कुछ तू करेगा वो सफल होगा, हे परमेश्वर पिता आज हमारे भाई बहनों को तू सफल कर और आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते सुनते आसे कबूल कर पिता, आमीन आमीन। जब हम प्रभु को देते हैं तो एक नया आनंद हमारे अंदर आता है, और देते वक्त भी प्रभु कहता है कि जो आनंद से देता है परमेश्वर हालेलुया उससे प्रसन्न होता है, तो आप जो कुछ प्रभु के लिए देंगे बड़े आनंद के साथ दीजिए हालेलुया, क्योंकि प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, उस गीत को हम गाएंगे, बड़ा सुंदर गीत है ये। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, आ प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हरेक दिन से कहा संसार के धन्यवाद।
धन्यवाद हो राजा यीशु, धन्यवाद तेरी महिमा हो राजा, तेरी प्रशंसा यीशु, स्तुति तू महिमा के योग्य, स्तुति स्तुति के योग्य आराधना, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और हमारे बीच में सिस्टर जॉली है, वो वचन पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। आइए आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 98 अध्याय। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया, उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इसराइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधी ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो, भजन गाओ, वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ, तुरहियां और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा का राजा का जय जयकार करो। समुद्र उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, जगत और उसके निवासी महाशब करें, नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। वो यहोवा के सामने हो, क्योंकि वो पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वो धर्म से जगत का और सिधाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। और अब ये समय है कि हम प्रभु का वचन सुनेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू एज यू हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रियो, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रभु बहुत महान है, सामर्थ्य है और कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और आज का संदेश जो है वो परमेश्वर के भवन के बारे में है। परमेश्वर का भवन, हाउस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में, हालेलुया, जो चीज़ दी है वो परमेश्वर का भवन। और उस परमेश्वर के भवन में जाके हमें परमेश्वर की आराधना करना, यह हमारे लिए अति जो है आवश्यक है, अति आवश्यक है। परमेश्वर के भवन से सारी आशीष बहती है। हालेलुया। परमेश्वर का भवन मतलब इस दुनिया में हमारे लिए एक छोटा सा स्वर्ग है, जहाँ पे हम परमेश्वर को मिल सकते हैं। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के भवन के बारे में, कि परमेश्वर का भवन, हालेलुया, कुछ बातें, हालेलुया, मैंने देखी है, हालेलुया, और उन बातों को आज मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि परमेश्वर की भवन, हालेलुया, उसकी लालसा हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का चेला है, हालेलुया, तो वो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करता रहता है और वो परमेश्वर की सेवा में अपना जीवन देता है। कितनी खुशी की बात है। तो इसलिए प्रियो, आज हमें प्रभु के भवन के बारे में जो है मालूमात करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, परमेश्वर के भवन में रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, परमेश्वर के भवन के बारे में जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और परमेश्वर के भवन में जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। भजन संहिता 27 के 4 वचन में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। तो दाऊद का ये भजन है और दाऊद कहता है कि सिर्फ एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, मैंने और कोई 10 बातें नहीं मांगी है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और वो वर यह है कि मैं हालेलुया उसी के यत्न में लगा रहूँगा, जीवन भर मेरा जो है उसी वर के वरदान को प्राप्त करने के लिए मैं कहूँगा। और कौन सा वर उसने यहोवा से मांगा था? उसने कोई बड़े राजा बनने का वर नहीं मांगा था, ना कोई पैसे का वर मांगा था, ना कोई और चीज़ों का वर मांगा था। वो जो है उसका एक ही वर था और वो ये था कि और ताकि उसी के यत्न में लगा रहूँगा, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जैसे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, जीवन भर मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हालेलुया कि हम परमेश्वर के भवन में रहने पाए, परमेश्वर के भवन की लालसा हमारे अंदर आए, परमेश्वर के भवन की चाहत हमारे अंदर आए। हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार की चाहत है। हालेलुया।
लेकिन दाऊद को परमेश्वर के भवन में जाके वहां पे प्रार्थना करने की चाह थी। दाऊद कहता है कि मैं एक ही बात का वर चाहता हूं कि मैं मेरी सारी जिंदगी प्रभु के भवन में जाए, जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। आज बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार की इच्छा होती है, हालेलुया, उनकी चाहत अलग अलग होती है। उनकी चाहत होती है ताश के पत्ते, हालेलुया, वो खेलने की, शराब पीने की, किताबें पढ़ने की, पढ़ाई करने की, स्पोर्ट्स या व्यायाम या अलग अलग, कोई अच्छी चाहत है, कोई बुरी चाहत है, हर एक की अलग अलग चाहत है। लेकिन परमेश्वर का दास जो है दाऊद, वो कहता है कि मेरी एक ही ख्वाहिश है, एक ही वर मैंने यहोवा से मांगा है, और वो ये वर है कि मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। हालेलुया, कितनी सुंदर जो है बात उसने मांगी थी। और वो कहता है कि मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा। वो ये नहीं कह रहा कि मैं पैसा कमाऊंगा, मैं राज्य कमाऊंगा, मुझे और भेड़े चाहिए, मुझे और ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसका प्रभु से प्रेम, वो परमेश्वर के भवन में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता है। आज बहुत सारे जो है विश्वासी प्रभु के भवन को में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। और प्रभु के भवन में जाने के बाद में परमेश्वर हमको आज़ाद करता है हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के दुख और मुसीबतों से परमेश्वर हमको आज़ाद करता है। वो आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। तो आज आपके मन में वो लालसा उत्पन्न होनी चाहिए। आज आपके जीवन की सारी ख्वाहिशें आप छोड़ दीजिए, एक ख्वाहिश रखिए कि मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊँ। और परमेश्वर के भवन में जाके क्या करूँ? परमेश्वर के भवन में जाके मैं फ़ोन पे खेलता रहूँ? परमेश्वर के भवन में जाके मैं इधर उधर ताकता रहूँ? परमेश्वर के भवन में जाके इधर उधर मैं इसके मुँह को उसके मुँह को ताकता रहूँ? नहीं, परमेश्वर के भवन में इसलिए जाऊँ जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। मैं उसके चेहरे पे नहीं देखता रहूंगा, परमेश्वर के भवन में जब जाऊंगा तो मैं परमेश्वर के चेहरे को देखता रहूं। हालेलुया, हम जो है जब प्रभु के भवन में जाते हैं तो हम इसको उसको देखने के लिए नहीं जाते, हम तो प्रभु का दर्शन पाने के लिए जाते हैं। प्रभु का दर्शन पा के भाई लग जा सेवा में। हम जब प्रभु के भवन में जाते तो प्रभु हमें नई ताकत और नई शक्ति से भर देता है। और वो कहता है कि मैं प्रभु के जो है मनोरथ पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं। मंदिर में ध्यान करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है मंदिर में ध्यान नहीं करते। हालेलुया, और हमारी कलवरी कलीसिया में हर एक व्यक्ति को हमने कहा है अपने जन्मदिन के दिन, आपका बर्थडे अगर 4 तारीख को आता है तो 4 तारीख को हर महीने आपको प्रभु के भवन में जाना है, वहाँ पे 2 घंटे व्यतीत करना है, और वहाँ पे आपको सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करनी है, सारे प्रोजेक्ट्स के लिए प्रार्थना करनी है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी है। ये तुम्हारी याजक की रीति है। और ये बात हम जो है हमारे कैलवरी चर्च के लोगों को सिखाते हैं। और प्रेज द लॉर्ड, बहुत सारे जन आते हैं और अपना जीवन देने के लिए तैयार है। हालेलुया, अपना समय देने के लिए तैयार है, सिर्फ दशमांश ही नहीं लेकिन अपना समय, अपनी जिंदगी। दाऊद तो कहता है कि प्रभु मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं, जीवन भर तेरे भवन में रहना मेरी ये इच्छा है। क्या उसकी ख्वाहिश थी, क्या उसका सुंदर हालेलुया जो है उसका ये था इच्छा थी। फिर हम देखते कि पहली बात जो है हमारा मनोरथ, क्या मनोरथ का भवन, एक लालसा, एक इच्छा रखते हैं हम कि परमेश्वर के भवन में जाने वाली। हालेलुया, तो हमारे मनोरथ पूरा, हमारा मनोरथ क्या है? हमारा मनोरथ यह है कि हम प्रभु के भवन में जा सके, वहाँ पे आराधना कर सके, वहाँ पे प्रभु की स्तुति कर सके। कितना सुंदर, आज आपके अंदर भी ये ख्वाहिश उत्पन्न करे प्रभु कि आप प्रभु के भवन में जाए। और दाऊद को परमेश्वर, दाऊद की जो एक ख्वाहिश थी कि वो प्रभु के भवन में जीवन भर रहने पाए, और सच में परमेश्वर ने उसको, हालेलुया, वो हमेशा प्रभु के भवन में जाता था और प्रभु ने उसको उतना ऊंचा किया कि दाऊद को राजा बना दिया, राजा बना दिया उसको। और आज प्रभु परमेश्वर भी आपकी ख्वाहिश देखता है, क्या वो आपको, क्या आप प्रभु से प्रेम करते हो, क्या प्रभु के भवन को प्रेम करते हो क्या? अगर आप सच में प्रभु से प्रेम करोगे, प्रभु के भवन को प्रेम करोगे, तो परमेश्वर आपको ऊंचे पे चढ़ाएगा, परमेश्वर आपको प्रमोशन देगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा। प्रभु इन दिनों में आपके पास देख रहा है कि क्या आप परमेश्वर के भवन में जाने के लिए तैयार है क्या। हालेलुया, जरूर आइए, प्रभु के भवन में आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हालेलुया, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है। फिर दूसरी बात,
ये परमेश्वर के भवन में जाना क्यों चाहता है? परमेश्वर के भवन में जाने का कोई कारण है? हालेलुया। फुटबॉल मैच वाले जो बच्चे हैं वो हमेशा फुटबॉल ग्राउंड पे पसंद करते हैं कि वहाँ पे जाके मैं खेलूं और फुटबॉल खेलूं, कोई वॉलीबॉल, कोई क्रिकेट, और उनको बहुत चाहत होती कि मैं जाके खेलूं। बहुत सारे हालेलुया अच्छे जो है अच्छी हॉबीज़ रखते हैं, अच्छी बात है। हालेलुया गलत हॉबीज़ भी रखने वाले हैं। शराबी कहते हैं कि मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा और शराब पीऊंगा। उनको अपने परिवार की कोई चिंता नहीं है, उनको चिंता है कि शाम को मेरे दोस्त आएंगे, उनके साथ शराब पीना है। उसी दिन उसी बात के लिए वो लगे रहते हैं प्रियो। हालेलुया। लेकिन प्रभु के लोग यही ध्यान में रहते हैं। मुझे कुछ भाई बहन कहते हैं, पास्टर हम तो सोमवार से ही रविवार का इंतजार करते कि कब रविवार आए और कब हम प्रभु के भवन में जाए और कब हम प्रभु का चेहरा देखें, कब प्रभु परमेश्वर को अपना चेहरा हम दिखाए। ये इसी की ताक में लगे रहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है प्रभु के भवन में जाना। तो हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर के भवन में तृप्तता है। परमेश्वर के भवन में तृप्तता है। जब आप जो है ये दाऊद परमेश्वर के भवन में गया और इसलिए तो परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। ये दाऊद परमेश्वर के भवन में जाता था इसलिए तो परमेश्वर ने उसको ऊंचे पे चढ़ाया। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में जाने वाले लोग जो है हमेशा आशीषित हो जाते हैं। परमेश्वर के भवन में जाने वाले लोग हमेशा आनंदित रहते हैं। परमेश्वर का भवन मतलब हमारे लिए एक पेट्रोल पंप जैसे हैं जहाँ से हम पेट्रोल लेते हैं। हम विश्वासी लोगों को सामर्थ मिलती है, हम विश्वासी लोगों को ताकत मिलती है। हालेलुया। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल, वैसे हमारे लिए विश्वासियों के लिए परमेश्वर की ताकत प्राप्त करने की जगह जो है वो हालेलुया परमेश्वर के भवन में है। हालेलुया। जैसे आपको लगता है कि आपकी ताकत कम हो रही है, हालेलुया तुरंत परमेश्वर के भवन में जाइए। हालेलुया पवित्र आत्मा से भर जाइए। हालेलुया स्तुति भेंट पढ़िए, प्रार्थना करिए और परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य से भर देगा। बाइबल में लिखा है कि हालेलुया भजन संहिता और उसके 36 अध्याय के 8वें वचन में, हालेलुया वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। तेरे भवन के चिकने पदार्थ, हम प्रभु के भवन में के चिकने पदार्थ। आपको बताएं प्रियो कि जब हम प्रभु के भवन में जाते हैं तो आपके इर्द गिर्द जो भी दुष्टात्मा आपकी चिपकी रहती है वह सब हट जाती है। आपको बताएं जब सब लोग आराधना करते हैं उस आराधना के सामने वह शैतान जो आपके विरोध में आता है वो टिक नहीं सकता। आपको बताएं जब आप प्रभु के भवन में जाते हैं तो शैतान की जो वाचाएं आपके लिए होती है वह सारी वाचाएं टूट जाती है। आपको बताएं कि जब आप प्रभु के भवन में जाते हैं तो आपकी भूख हालेलुया ओ जो है तृप्त करता है प्रभु। आपकी भूख और प्यास भी हालेलुया वह चिकने भोजन से तृप्त हो गए और सुख की नदी से मैं पिलाएगा। दुख की नदी से नहीं, सुख की नदी से। आजकल का पानी बड़ा दुखदायी आता है हालेलुया आरओ के बिना, और जो है वो पी नहीं पाते। बहुत जो है गंदी, बहुत खारा पानी, कोई कोई जगह पे जो है सारा मिट्टी भरा पानी। हालेलुया जब तक उसको साफ नहीं करेंगे तब तक पीने के लायक नहीं बनता। लेकिन प्रभु के पास जाएंगे तो वो आत्मिक जल पिलाएगा, तो वो सुख का पानी होगा। हालेलुया आपको वो चिकने भोजन से तृप्त करेगा। परमेश्वर के भवन में तृप्तता है। क्या आज आप भूखे हैं? क्या आज आप प्यासे हैं? क्या आप अतृप्त आत्मा है? प्रियो परमेश्वर के भवन में जाइए और परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। हालेलुया परमेश्वर का भवन सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे आपको हर प्रकार की आशीष मिल जाती है। इसलिए हर विश्वासी सप्ताह के पहले दिन प्रभु के भवन में जाते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु के शक्ति से भर जाते हैं। जैसे हर गाड़ी पेट्रोल पंप पे जाती है उसके बाद में वो घूमने के लायक बन जाती है, उसी प्रकार हमारा जीवन, विश्वासियों का जीवन, जब तक हम प्रभु के भवन में जाते नहीं है, आराधना करते नहीं है, उसके सामने घुटने नहीं टेकते, उसके लिए आराधना नहीं करते, तब तक हम सामर्थ्य नहीं भरते प्रियो। तो ये भजन, ये भवन जो है वह तृप्तता का भवन है। फिर हालेलुया ये भवन जो है 135 के 1-2 में लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवक को तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया ये तीसरी बात, ये स्तुति का भवन है। यहाँ पे हम देखते कि प्रभु की आराधना होती है। हालेलुया प्रभु की स्तुति होती है। और जब प्रभु की स्तुति होती है, बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। जहाँ पे प्रभु की स्तुति होती है वहाँ पे प्रभु उतर आता है।
जब प्रभु जिस प्रभु के भवन में स्तुति होती है वहां पे एकदम उसकी उपस्थिति उतर आती है। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि इकट्ठा होना ना छोड़े, और इकट्ठा होने के बाद में एक दूसरे की बुराई ना करें, इकट्ठा होने के बाद में एक दूसरे की शिकायत ना करें, एक दूसरे के इकट्ठा होने के बाद में एक दूसरे के विरोध में ना बोले, लेकिन वहां पे स्तुति करें। हालेलुया। जैसी भी स्तुति, जैसे भी आपकी तकलीफ है, जैसे भी परेशानी है, आप स्तुति करते रहो, स्तुति करते रहो। ऐसा बुधवार हुआ है, कैंसर पेशेंट्स, एड्स पेशेंट्स और जो है बड़े बड़े ट्यूमर्स, हालेलुया, जब वो चले गए ऐसे पेशेंट्स चर्च में, और जब वे आराधना करने लगे एकदम प्रोफेसी आई और एकदम वो हालेलुया ट्यूमर चला गया, एकदम वो कैंसर चला गया, वो एड्स की बीमारी चली गई। हालेलुया। जो है पिछले सप्ताह में ही हमारे बीच में भाई दिनेश आए थे और उनकी कोई हालेलुया प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो जो है बताना नहीं चाह रहे थे कि कौन सी प्रॉब्लम है। हालेलुया। और वो उन्होंने कहा आपके पास्टर हमारी ये प्रॉब्लम है, मुझे तो बताया उन्होंने कि कौन सी प्रॉब्लम है, लेकिन हालेलुया वो चाह रहे थे कि किसी को ना बताए। मैंने कहा कि नहीं बताएंगे, और उनके लिए हमने प्रार्थना की परमेश्वर के भवन में, और उन्होंने एकदम चंगाई प्राप्त करी। और उन्होंने कहा पास्टर, उसका अगले दिन सुबह मुझे फ़ोन आता है, पास्टर हालेलुया मेरी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। जो है प्रभु परमेश्वर के लोगों, उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई क्योंकि वे परमेश्वर के भवन में आए। हालेलुया। उनकी सेक्स की प्रॉब्लम थी, वो बताना नहीं चाह रहे थे। हालेलुया। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, प्रभु परमेश्वर हमारे हर समस्या को दूर करता है। हालेलुया। आज आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, परमेश्वर के भवन के अच्छे अच्छे पदार्थों से आप तृप्त होंगे। फिर परमेश्वर का भवन जो है वह स्तुति का भवन है, और इसलिए हमेशा स्तुति करते रहिए, प्रभु की आराधना करते रहिए। जब आप प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह उत्तर आएगा, और प्रभु यीशु मसीह जब उत्तर आएगा तो वो प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन लग जाएगा, और जब सिंहासन लग जाएगा तो आपके पैसे की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, घर की समस्या, हर एक समस्या प्रभु यीशु मसीह दूर कर देगा। आपको पता है जब आप प्रभु की स्तुति करते तो प्रभु की हेवी प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, एक बड़ा सामर्थ्य, प्रभु की सामर्थ उतर आ जाती है, उसका सिंहासन लग जाता है, उसकी सामर्थ उतर आती है। हालेलुया। और जैसे आग के सामने, हालेलुया, आग के सामने जो जो है मोम पिघल जाता है, वैसे ही जो है आपकी सारी प्रॉब्लम पिघल जाएगी प्रभु के सामने। प्रभु के सामने कौन खड़ा रह सकता है, हर एक घुटना टेकेगा, आपकी हर एक समस्या घुटना टेकेगी, आपकी हर एक बीमारी घुटना टेकेगी, और तब परमेश्वर आशीष देगा। तो ये भवन जो है वह स्तुति का भवन है। हालेलुया। तुम जो यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। फिर ये भवन जो है एक जो है संगति का भवन है। भजन संहिता 55:14 में लिखा है, हालेलुया, तो मेरा वो मेरा बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का, हम दोनों आपस में कैसे मीठी मीठी बातें करते थे, और हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। हम परमेश्वर के भवन में इसलिए जाते हैं, वहाँ पे संगति होती है, वहाँ पे संगति भाई भाइयों के साथ, बहनें बहनों के साथ, और सारी विश्वास है, सारी मंडली परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। यह हमारी संगति का समय होता है। हालेलुया। इस संगति में, हालेलुया, ये पवित्र आत्मा का मिलन है, ये परमेश्वर का मनुष्य के साथ मिलन है। जिस प्रकार हर शाम को, हालेलुया, आदम को मिलने के लिए परमेश्वर आता था, और जो है वो आदम के साथ, हवा के साथ बातचीत करता था। हालेलुया। अब जो है पाप के कारण सारे श्राप टूट गए हैं, अब फिर से हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। हालेलुया। हमारे चर्च में हर रोज हम 3 बजे बैठ के प्रार्थना करते हैं। कैलवरी चर्च में हर रोज 3 बजे की प्रार्थना होती है। जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबों का नाम लेके प्रार्थना की जाती है। हालेलुया। आपकी भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आप हमें भेज सकते हैं। हालेलुया। और उस फोन नंबर पे, हालेलुया, आप व्हाट्सएप के द्वारा वो आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजिए। हालेलुया। और आपके लिए भी प्रार्थना किया करेंगे, हमारे प्रेयर वॉरियर्स बहुत अच्छे हैं और वो सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और बड़े बड़े चमत्कार हमारे प्रेयर वॉरियर्स के द्वारा हो रहे हैं। हालेलुया। उस फोन नंबर जिसके द्वारा आप मुझे व्हाट्सएप नंबर से उस व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, वो है 9811225988। तो इस
नंबर पे आप जरूर भेजिए, प्रभु आपको आशीषित करेगा। वहाँ पे संगति होनी चाहिए। हालेलुया, कितनी अच्छी संगति। एक ऐसा लगता कि एक परिवार जैसे हम मिल गए हैं। हालेलुया, हमारे पारिवारिक रिश्ते तो जो है माता पिता के खून के रिश्ते से होते हैं, लेकिन ये जो रिश्ते हैं हमारे यीशु के खून का रिश्ता है, ये बड़ा पवित्र रिश्ता है, ये बड़ा अच्छा रिश्ता है। हालेलुया, और यहाँ पे प्रभु का नाम ऊंचा किया जाता है। तो हालेलुया, परमेश्वर का भवन स्तुति का भवन है। हालेलुया, फिर परमेश्वर का भवन जो है एक हालेलुया चढ़ाने का भवन है। हम अपनी ऑफरिंग चढ़ाते हैं, हम अपनी खुशी से भेंट चढ़ाते हैं। बाइबल में लिखा है आनंद के साथ परमेश्वर को दो, आनंद के साथ जो परमेश्वर को देगा परमेश्वर उससे खुश रहेगा। जो प्रभु से प्रेम करता है वो हालेलुया प्रभु को देता है। हालेलुया, कुछ हमारे भाई है और वो चर्च नहीं आ पा रहे, लेकिन उनका दशवांश जो है प्रभु के भवन में पहुंचाते हैं। हम कह रहे नहीं, मेरा दशवांश प्रभु के भवन में जाना चाहिए। हालेलुया, वो पैसे को प्यार नहीं करते हैं, वो प्रभु को प्यार करते हैं। हालेलुया, वो कहते कि नहीं, मैं प्रभु से मेरा पहला प्यार। तो प्रभु के भवन में क्या होता है? प्रभु के भवन में चढ़ाया जाता है। हालेलुया, वो कहता है कि मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा और मैं उन मन्नतों को पूरा करूँगा जो तेरे लिए मैंने की थी। हालेलुया, जो मैंने मुँह खोल कर मानी हालेलुया और संकट में कहा था तो वो सारी मन्नतें मैं पूरी करूंगा। प्रभु का वचन है कि सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरों के मैं तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर आपके जीवन में अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा, आपके जीवन में अपने आशीषों को उंडेलेगा। तो परमेश्वर का भवन क्या है? हालेलुया, अपनी ऑफरिंग चढ़ाने का समय है। हालेलुया, अपना दशवांश लेके हम प्रभु के भवन में डालते हैं। ये जो है दशवांश क्या होता है, ये ऑफरिंग क्या होती है, ये हमारे बीज होते हैं। हालेलुया, जो अगले समय के लिए और फलवंत होता है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वह जरूर आशीष देता है और बड़ी बरकत देता है। फिर परमेश्वर का भवन जो है वो एक हालेलुया बढ़ने का समय है। आत्मिक रीति से बढ़ना, शारीरिक रीति से बढ़ना, मानसिक रीति से बढ़ना। हालेलुया, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो हालेलुया बढ़ते ही नहीं, मानसिक रीति से बढ़ते नहीं, शारीरिक रीति से बढ़ते नहीं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं उनके जीवन में जो पवित्र आत्मा मंडलाती है और तब जो है वो योग्य उनका जो है बढ़ोतरी होती है, योग्य बढ़ोतरी होती है। हालेलुया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये खाओ वो खाओ वो खाओ ये खाओ वो खाओ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के भवन में जाओ, परमेश्वर के भवन में जाने के बाद में आप बढ़ेंगे, आप फलेंगे, आप फूलेंगे, आप लहरेंगे, आप ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया, वे परमेश्वर के भवन में हालेलुया ऊंचे ऊंचे जो है हालेलुया वृक्ष के समान होंगे। बाइबल में भजन संहिता 92 के 12 में लिखा है, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे, लेबनान की देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहारते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। वे परमेश्वर के वे यहोवा के भवन में जाके रोपे जाकर लिखा है हालेलुया वह फूलेंगे फलेंगे, फलते रहेंगे, ललहारते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ेंगे। यही बात है। हालेलुया, अगर आपको बढ़ना है, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आपके शारीरिक उन्नति, मानसिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, हालेलुया परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के भवन के बिना और कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर का भवन, हालेलुया, परमेश्वर के भवन में रोपे जाना। हालेलुया, बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर के भवन में रोपे जाते हैं, उनकी जड़ें हालेलुया इतनी नीचे गई है परमेश्वर के वचन में, वहाँ से सारा जीवन रस वो लेते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के भवन में वे रोपे जाकर हालेलुया आंगनों में, परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। बाइबल में लिखा है वे पुराने होने पर भी हालेलुया फलते रहेंगे, रस भरे और लहारते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के भवन में जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वे जो है क्लबों में रोपे नहीं गए हैं, हालेलुया, वे जेल में नहीं रोपे गए हैं, वे हालेलुया इधर उधर की पार्टियों में रोपे नहीं गए हैं, हालेलुया वे परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं। हालेलुया, तो परमेश्वर का भवन एक बढ़ने का स्थान है प्रियो। हालेलुया, आपका ग्रोथ
परमेश्वर के भवन में होगा। हालेलुया। आपको लगता है कि मेरी ग्रोथ जहाँ होगी वहाँ होगी, कंप्यूटर चलाने से होगी, ये क्लास लेने से होगी, वो क्लास लेने से होगी। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, जो है युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो किया जाता है, लेकिन बाइबल में लिखा है हालेलुया, जीत या विजीत जो है वो परमेश्वर यहोवा की ओर से होती है। बहुत सारे लोग जो है हालेलुया अपनी जीत के लिए इधर उधर जाते हैं। परमेश्वर के भवन में जाओ, वो आपको जिता देगा। परमेश्वर के भवन में जाओ, वो आपको बढ़ने के लिए सहायता करेगा। फिर परमेश्वर के भवन में क्या है? परमेश्वर के भवन में पवित्रता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है भजन 93 और उसके 5वें वचन में, तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है, हे यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। प्रभु के भवन में जब जाते हैं हालेलुया, तो वहां पे व्यभिचार के लिए और कोई गंदे कामों के लिए या बिजनेस के लिए या अपने ही फायदे के लिए नहीं जाते। परमेश्वर के भवन में इसलिए जाते ताकि हम और पवित्र हो सके। परमेश्वर का भवन एक बिजनेस की जगह नहीं है। परमेश्वर का भवन हालेलुया वो सारी ऐसे जगह नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग कारणों के कारण परमेश्वर के भवन में आते हैं हालेलुया, लेकिन खरे परमेश्वर के दास आज उनके बारे में लिखा है, मैं तो पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करूंगा। हम परमेश्वर के भवन में इसलिए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर का भवन पवित्र है। हालेलुया। वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है, वहाँ पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, वहाँ पे बुराई नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे एक ही बात होनी चाहिए, हालेलुया, पवित्रता, पवित्रता और पवित्रता। हालेलुया। जो 24 प्राचीन प्रभु का नाम लेते हैं वो कहते हैं पवित्र, पवित्र, पवित्र। और आज आप भी जब परमेश्वर के भवन में जाते हो, बड़े पवित्रता के विचार लेके आइए। आपको शैतान कहेगा कि तेरे तूने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि प्रभु यीशु ने आपके पापों की क्षमा की है। जब प्रभु यीशु ने आपके पापों की क्षमा की है तो आप अपने पापों को स्मरण करने वाले कौन है? हालेलुया, भूल जाइए उन सारे पापों को, प्रभु ने आपके पापों की क्षमा की है। जब आपने पानी का बपतिस्मा लिया तो आपके पापों को हटा दिया है प्रभु ने। हालेलुया, अब पाप में ना पड़े और उन पापों के बारे में ना सोचिए, वो पाप के बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, आजाद। तो परमेश्वर का भवन ये पवित्रता का भवन है प्रियो, और इसलिए पवित्रता के साथ शोभायमान होकर आइए, पश्चाताप करके आइए। पश्चाताप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों को पश्चाताप करना नहीं आता, वो कहते हैं प्रभु मुझे माफ़ कर, उतना बोल के शांत रहते हैं। नहीं, हमें आंसू बहा बहा के जो है पश्चाताप करना है, अपने पापों से माफ़ी मांगना है। हालेलुया, तब वो पवित्रता आएगी। अब प्रभु से कहना कि प्रभु तेरे लहू से मुझे धो के साफ कर, तब वो पवित्रता आएगी और उसी पवित्रता में रहिए। बहुत सारे लोग पश्चाताप करते हैं लेकिन पश्चाताप के योग्य फल नहीं लाते हैं। बहुत सारे लोग पश्चाताप करते हैं लेकिन फिर से उसी पाप में गिर जाते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है कि कुत्ता अपने उल्टी के पास जाता है और वही खाना शुरू कर देता है। तो प्रियो, प्रभु के विश्वासियों, जब आप पवित्र हो चुके हो, पवित्रता के लिए ही रहो, पवित्रता में ही बने रहो, और ऐसा करने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। पवित्रता, ये परमेश्वर का भवन, ये पवित्रता का भवन है। हालेलुया। जैसे वहाँ पे प्रभु उस भवन को जो इज़राइल में था, यरूशलेम में, उस भवन को उन्होंने जो है डाकुओं की खो बना दी थी, और प्रभु यीशु मसीह बड़ा गुस्सा आया कि तुमने क्या इसको डाकुओं की खो बना रखी है, तुमने इसको बिजनेस सेंटर बना रखा है, ये क्या कर दिया है? मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। तो प्रियो, ये पवित्रता का घर प्रार्थना का घर है, कितनी खुशी की बात। हालेलुया। फिर अगली बात जो है हम देखते कि ये घर जो है वो हालेलुया गवाही का घर है। परमेश्वर का भवन एक गवाही। जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो मैं जानता हूँ हमारे कैलवरी चर्च के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति की जरूर गवाही देंगे वो। हालेलुया। गवाही देने की आदत उनको लग गई है। पहले डरते थे, तत्तप मम करते थे लेकिन अब जो है वो इतनी सुंदर गवाही देते हैं क्योंकि उनको आदत लग गई है। हमें गवाही देने की आदत लगनी चाहिए, सिर्फ हमें चर्च के अंदर नहीं लेकिन बाहर भी गवाही देनी है। लेकिन जब हम प्रभु के भवन में जाते हैं तो हम गवाही देते हैं। बाइबल में लिखा है कि हम जो है हालेलुया मेमने के खून के द्वारा और अपनी गवाही के द्वारा उस शैतान पर विजय प्राप्त किया।
हालेलुया। हम शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं दो बातों के द्वारा, हालेलुया। पहली बात यीशु के लहू के द्वारा और दूसरी बात जो है अपने मुंह से दी हुई गवाही के द्वारा कि यीशु ने मुझे बचाया, यीशु ने मुझे संभाला, यीशु ने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, यीशु ने मुझे चलाया, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। ये गवाहियां देते रहिए, आपकी गवाही के द्वारा आप जो है उस शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। बाइबल में लिखा है कि कैसे, हे यहोवा मेरे लिए, भजन संहिता 116 के 18 में, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट रूप में सारी प्रजा के सामने यहोवा के आंगनों में पूरी करूंगा, और हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा। हालेलुया, मैं महासभा में, हालेलुया, जो है स्तुति करना ये तेरी ओर से होता है। महासभा में हम गवाही देंगे, सबके सामने हम गवाही देंगे। क्या गवाही देंगे? कि यीशु जिंदा है, यीशु अच्छा है, यीशु ने मेरे जीवन में काम किया है। इसलिए हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं कि वहां पे हमें गवाही देनी है। हालेलुया, बिना गवाही के परमेश्वर के भवन से मत लौटिए, कुछ ना कुछ गवाही दीजिए, कहिए कि आज मैं जीवित हूं। ये हालेलुया परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। बहुत सारे लोग महामारी में मर गए, लेकिन मैं आज जिंदा हूं, क्योंकि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। उसकी दया हर रोज मेरे ऊपर नई होती रहती है। हालेलुया, परमेश्वर का भवन एक गवाही का भवन है। गवाही देते जाइए, गवाही के ऊपर गवाही चढ़ाते जाइए। हालेलुया, उस परमेश्वर की वेदी पर परमेश्वर की गवाहियां चढ़ाइए। प्रियो, परमेश्वर इंतजार कर रहा है आपकी गवाही के लिए। जब आप गवाही देते हैं तो परमेश्वर आपको विजय देते हैं, आप विजय देता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मेमने के लहू के द्वारा और आपके मुंह की गवाही के द्वारा वह उस शैतान पर जयवंत हुए। जयवंत होना है, प्रभु के भवन में जाके गवाही देनी है। प्रभु का भवन गवाही का भवन है। प्रियो, फिर प्रभु का भवन काय का भवन है? हालेलुया, जो है आशीष का भवन है, हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स। हालेलुया, बाइबल में लिखा है कि धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, और हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहाँ से आशीर्वाद, इतने सारे आशीर्वाद है यहाँ पे, इतनी सारी आशीष है यहाँ पे। ये खजाना है, आशीषों का खजाना है, आशीषों का हम देखते हैं कि स्टोर हाउस है। यहाँ से आप आशीषें भेजते जाओ, यहाँ से आशीषें लेके जाओ। परमेश्वर का भवन एक आशीषों का भवन है। हालेलुया, हालेलुया, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, और हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। और हम देखते कि जो है उस अंबानी जी का घर जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना अच्छा है, यहाँ पे खाने की चीज़ें, वहाँ पे खाने की चीज़ें, इतना बड़ा किचन, यहाँ पे सोने की चीज़ें, यहाँ पे आराम कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं, वहाँ पे वो जो है स्विमिंग पूल, और ये यहाँ पे और वो वहाँ पे। अगर अंबानी जी का घर इतना अच्छा है तो स्वर्गीय पिता का घर कितना अच्छा होगा। अंबानी जी के घर में इतनी आशीषें हैं तो परमेश्वर पिता के घर में कितनी आशीषें होगी। आप सोचिए कि आपके लिए हालेलुया कौन सा घर अच्छा है। हालेलुया, आप सोचिए, और आप जो है हालेलुया, अंबानी जी जो है वो हर एक को तो अपने घर में नहीं बुला सकते, लेकिन परमेश्वर पिता हर एक जन को अपने घर में बुलाता है, और उनका घर, परमेश्वर पिता का घर आशीषों का घर है। हालेलुया, इसलिए हम प्रभु के भवन में जाते हैं, गाना गाते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, है स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। प्रभु के भवन में हम आते हैं आशीषें पाने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर के भवन में हम आते हैं प्रभु का अनुग्रह पाने के लिए। हालेलुया, और यहाँ से हम आशीषें भेजते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जीवन नगर कैलवरी चर्च है, हर रोज शाम को 3 बजे हम प्रार्थना करते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। जितने सारे बीमार लोग हैं उन सारे बीमार लोगों के लिए हम प्रार्थना भेजते हैं, आशीष भेजते हैं, चंगाई भेजते हैं। बाइबल में लिखा है कि वो अपना वचन भेजता है और उनको चंगा करता है। हालेलुया, प्रभु के भवन से, हालेलुया, आपका जो है एक मेन, हालेलुया, वो स्थान है जहाँ से आप प्रभु के घर से आशीषें भेज सकते हैं अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने 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 रिश्तेदारों के लिए जिनका उद्धार ने उनके लिए। हालेलुया, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। प्रियो,
तो इसलिए आओ हम परमेश्वर के भवन में जाए और परमेश्वर के भवन में जाके हालेलुया वो दूसरों को आशीष दे के देखिए कैसे उनको बहुत जल्दी आशीष लग जाती है और परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर आती है। फिर हम देखते हैं कि ये भवन जो है हम देखते हैं कि आनंद का भवन है। आनंद 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 यहां पे आनंदित बाइबल में लिखा है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले तब मैं आनंदित हुआ। वाव हालेलुया। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं जब प्रभु के भवन की बात आती है। कोई लोगों ने तो चर्च में जाना ही बंद कर दिया है। कोई लोग जो है वो जाते नहीं है। हालेलुया। ओ पता नहीं उनके अपने अलग अलग कारण है। हालेलुया। हो सकता है इनका कारण जो है वो पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हालेलुया बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। आज मैं आपको आपकी परिस्थिति जानना चाहता हूँ, आपका मन जानना चाहता हूँ। क्या जब प्रभु के भवन में जाने की बात होती है तो क्या आप आनंदित होते हैं? क्या आप प्रभु को प्यार करते हैं? हालेलुया। कि दुखी हो जाते कि वहाँ पे जाके दशवां चढ़ाना पड़ेगा, कि दुखी हो जाते कि वहाँ पे जो है पता नहीं बहुत सारे लोगों को शैतान ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। हालेलुया। और वे परमेश्वर के लिए परमेश्वर के भवन के लिए कुछ कर नहीं सकते। बाइबल में लिखा है जब उन्होंने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले तब मैं आनंदित हुआ। मैं अपने परमेश्वर की यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो आज प्रभु के भवन में जाना तो मतलब एक आनंद की बात होनी चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि चलो हम सिनेमा देखने के लिए जाएंगे, थिएटर के लिए तो बड़ा आनंदित हो जाते हैं और कहीं घूमने फिरने के लिए बहुत आनंदित हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आनंद की वस्तु हमारे लिए परमेश्वर के भवन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम सारी आशीषें ले जाते हैं, यहीं से सारी आशीषें ले जाते हैं। तो इसलिए प्रियो परमेश्वर के भवन में जाइए और प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। ये प्रेम का भवन है, ये आनंद का भवन है। हमने आज बहुत सारी बातें देखी, हमारे मनोरथ का भवन और हमारी तृप्तता का भवन, स्तुति का भवन, हमारे संगति का भवन, प्रार्थना का भवन, हम देखते कि हमारे हालेलुया सारे ऑफरिंग चढ़ाने का भवन, हालेलुया और हमारे जीवन की बढ़ोतरी का भवन, हालेलुया हमारे जीवन का पवित्रता का भवन, हमारे गवाही देने का भवन, हमारे आनंद का भवन, हमारे प्रेम का भवन। हालेलुया। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप उसके भवन को जाने की इच्छा रखेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। जैसे आप परमेश्वर के भवन में आएंगे और परमेश्वर के भवन में आके प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। अगर आपका भवन खुला नहीं है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करेगा। हमारी आराधना सभा दिल्ली में होती है, तो दिल्ली में जब भी आप आएँ तो आप ज़रूर हमारी संगति में हालेलुया शामिल हो जाइए और बहुत अच्छा लगेगा आपको और प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हमारे कैलवरी चर्च का एड्रेस है 169 ए जीवन नगर, नियर जीवन हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली 14 14 14। तो आप जरूर आइए। हालेलुया। और आपका स्वागत है। और मेरा फोन नंबर है 9811225988। तो आप इस फोन पर आप मुझे संपर्क करिए, खास करके व्हाट्सएप के द्वारा, व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा। हालेलुया। मेरे साथ संपर्क करें और परमेश्वर के भवन में जाइए, परमेश्वर के भवन में आइए। कैलवरी मिनिस्ट्रीज में, कैलवरी चर्च में आपका स्वागत है। प्रभु आपको आशीषित करें। हालेलुया। जैसे आप कैलवरी चर्च में जाते हैं और जैसे आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु इस सुंदर दिन के लिए। आज का रविवार का दिन है प्रभु जी। बहुत सारे व्यक्ति प्रभु अपने घर में बैठे हैं, सोए हैं या प्रभु ऑनलाइन ही सेवा देख रहे हैं, लेकिन वो तेरे भवन में भी आए प्रभु परमेश्वर पिता, और तेरे भवन में आके तेरी संगति करे प्रभु जी, और तू उनका सर ऊंचा उठाएगा प्रभु। जिस प्रकार दाऊद को परमेश्वर के भवन में जाने की उत्कंठा उत्सुकता थी प्रभु जी, आज हर एक विश्वासी को तेरे भवन में जाके आशीषें पाने की, चंगाई पाने की, और सारी आशीषें और प्रभु सारी
ब्लेसिंग लेने की, दुष्ट आत्माओं को भगाने की, उनके ऊपर जो शैतान की वाच है उनको तोड़ने की, हालेलुया, और जो जरूरत है प्रभु इसलिए तेरे भवन में वो आ सके प्रभु, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। सारे बंधनों को तोड़ दे, सारी रुकावटें दूर कर, तेरी पवित्र आत्मा की अग्नि बरसा दे और प्रभु हर एक जन के बंधन तोड़ दे प्रभु जी, ताकि वे तेरे भवन में जा सके और तेरी आराधना कर सके। हम हमारे परमेश्वर की आराधना करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है, सबसे महान है। हालेलुया, हम परमेश्वर के भवन के चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त होंगे, सुख की नदी में से वो हमें पिलाएगा। हालेलुया, और प्रभु परमेश्वर तेरे भवन की सारी ब्लेसिंग्स आज प्रभु जी हर एक जन को मिले, जैसे वे परमेश्वर के भवन में जाते हैं प्रभु जी और आशीष पाए, हर एक जन आशीष पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तुमने हमारी प्रार्थना सुनी है, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम मांगते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, खास करके उन लोगों के लिए हालेलुया कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर पिता, जिनके जिन बच्चों की शादी नहीं हुई, शादी का इंतजार कर रहे हैं, उनकी शादी हो जाए। हे प्रभु परमेश्वर पिता, जिनके पास काम नहीं उनको काम दे प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जो पढ़ाई कर रहे बच्चे उनकी पढ़ाई में उनको सफलता दे प्रभु जी। हमारे हालेलुया प्रभु, तेरे बच्चों को प्रभु परमेश्वर और दूसरे बच्चों में प्रभु फर्क करके दिखा, और प्रभु तेरे बच्चों को सबसे अच्छे मार्क आने दे, तेरे बच्चों का सबसे अच्छा कल्याण होने दे, क्योंकि तेरे बच्चे तेरे भवन में आते हैं, आदर भवन में रोपे गए हैं प्रभु जी। हालेलुया, हर रविवार को, हर बृहस्पतिवार को जाने के लिए सहायता कर, जो हमारे कैलवरी चर्च के प्रेयर वॉरियर है प्रभु, जो हर रोज आते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनको भी तो आशीषित कर, और जो प्रभु सप्ताह महीने में एक बार आते हैं प्रभु, उनको भी तो आशीषित कर और बड़ी बरकत दे प्रभु जी। प्रभु तेरे भवन में जाना ये हमारा हमारा मनोरथ पूरा कर, और प्रभु जैसे दाऊद का मनोरथ था, हमारा भी ये मनोरथ रहे कि मैं तेरे भवन में जाऊंगा, तेरी मनोहर को देखूंगा और प्रभु तेरे भवन में ध्यान करूंगा। ऐसा करने के लिए हमारी सहायता कर, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता, आमेन आमेन रामेन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के साथ, कैलवरी चर्च के हर एक सदस्य के साथ, हमारे प्रिय श्रोतों के साथ, जितने सारे व्यक्ति, जितने दर्शक हैं, उन सबों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे, आमेन आमेन रामेन। प्रभु आपको आशीषित करे, मे गॉड ब्लेस यू।